डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन लेवल। एक्सपायरी है कल फिन निफ्टी की और 20 फरवरी 2024 के लिए। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आज तो यूएसए बंद है तो कल से क्लू मिलेगा, जो भी बाजार में वोलेटिलिटी कल से बढ़नी चाहिए। और कल मुझे लग रहा ऊपर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आएगा, बहुत ज़ोर से आएगा। तो अपने को डाटा बुलिश है, लेकिन अपने को तेज़ी कल हो सके तो नहीं खेलना, अपने को मंदी बियर की तरह रहना है। अपने लेवल पर अपने पुट लेकर ही ट्राई करेंगे। ये आज की समरी है। निफ्टी सुबह दिलवाया था 21950 का, मैंने गलती लिख दिया था, फिर तुरंत मैंने 21900 का पुट लिखा था। तब 82 रुपये भाव चल रहा था, 78 में दिया था और 99 में 50% बुक करवा दिया था। उसके बाद वो 105 किया, 105 से फिर नीचे चला गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 45500 का दिया 105 में, वो 125 भी का, तब मैंने बोल दिया 105 का स्टॉप लॉस डाल दो, क्यों कन्फर्म नहीं था मैं, तो वो भी फिर नीचे चला गया, 105 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। निफ्टी मिड कैप 11100 का कॉल दिलवाया था 4.75 में 0-0, लेकिन वो 0 ही हो गया। और निफ्टी 22200 का कॉल दिया था 82 में, वो मैंने 102 में 50% भी खोया। और उसके 124.80 में बोला था, 125 का टारगेट दिया था, तो 124.80 का हाई बना, तभी मैंने मैसेज डाल दिया 124 में फुल बुक करवा दिया। और बैंक निफ्टी फिर लास्ट में 46000 का पुट लिए थे 110 में, जो 155 में मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था 50%, तो मैंने 150 रुपये लिखा है। ओवरऑल 3394 रुपये, 3394 आज हम लोग का प्रॉफिट एड हुआ, प्लस हुआ। और कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है आज। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल HM Stocks Bears। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किया। आज FII ने इंडेक्स में 3203 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2483 करोड़ का। नेट बेसिस पे 720 करोड़ का बाई किए, सॉरी LS रेशियो 0.64। FII ने FNO स्टॉक्स में 2107 करोड़ का सेल किए, कैश में 755 करोड़ का बेचे और DII ने 453 करोड़ का बाई किए। ये डाटा सीट है 19 तारीख की और 20 तारीख को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने सोल्ड किए 4365 कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी लॉन्ग में है 60866। DII ने 711 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, तो सोल्ड गलत लिखा गया, बोथ लिखा जाएगा, तो नेट बेसिस पर अभी भी वो शॉर्ट में चल रहे 19809 कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। FII ने बोथ किए 4981 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे 63809 कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी उन्होंने शॉर्ट नहीं काटा है। तो कल मुझे लग रहा है कि ऊपर से जोर से सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। प्रो ने सोल्ड किए 1327 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर अभी भी वो लॉन्ग में है 22752 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट बोथ किए 1,19,232 कॉन्ट्रैक्ट, दो दिन पहले शॉर्ट में थे, अब शॉर्ट से वो लॉन्ग में आ गए 56,989 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने 58,727 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे वो अभी शॉर्ट में 1,13,364 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 60,505 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अब वो लॉन्ग में है अभी भी 56,375 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बोथ किए 1,45,363 कॉन्ट्रैक्ट, तो कल तक वो शॉर्ट में थे, वहाँ से अब इंडेक्स पुट में लॉन्ग में आ गए 45,712 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने सोल्ड किए 70,971 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी वो लॉन्ग में है 8,809 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ। प्रो ने बोथ किए 74,392 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे सोल्ड किए वो शॉर्ट में है 83,585 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो सेटअप बुलिश है, लेकिन अपने वेट करेंगे लेवल के इंतजार में और अपने पुट में ध्यान कल देंगे। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट जहां पड़े हुआ 11090 के पास बेचिए। रजिस्ट्रेशन 11130 का, सपोर्ट 11030 और 11000 तक आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10950 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 3365 के पास लीजिए, 21 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर 65 और 77 तक जा सकता है।
इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े वहां 22,199 के पास बेचे, सपोर्ट 22,110 और 22,050, रईसन ऊपर में 22,275। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,200 का कॉल वीकली वाला जहां घटे वहां 56,65 के पास लेना हो तो ले सकते हो और 20 का स्टॉप लॉस, ऊपर में रईसन 139-175 के पास कहीं भी बेचिए, प्रॉफिट आपको मिलेगा। और या तो 139-40 से घूमे तो वहाँ पर बेचिए 175-180 का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,000 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे वहाँ 48-65 के पास लेकर बैठ जाइए, सपोर्ट 15 का दिया है लेकिन 15 का रख के कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो हीरो के हिसाब मैंने 3:15 बजे स्क्वेयर अप कीजिएगा, रईसन ऊपर में 98 और 135 तक कल। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 20,600 के पास बेचे, रईसन 20,630 का, सपोर्ट 20,470-20,400 तक कल आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,550 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 23,70 के पास लीजिए, जीरो या हीरो रहेगा कल का, सपोर्ट मैंने दो दिए 15.65 और 7.65, रईसन ऊपर में 52 और 82 तक जा सकते। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 46,728 के पास बेचिए, सपोर्ट 46,330 और 46,120 तक आ सकता है कल के डेट में, रईसन ऊपर में 46,920 और 47,110। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,500 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 396 के पास बेचना है, और इनकेस और भी ऊपर हो तो थोड़ा वेट कीजिए, 490 का रेजिस्टेंस है वहां पर स्टॉप लॉस लगा के, सपोर्ट नीचे में 230, 170 और 120 तक कल आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 20 फरवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 46,200 का पुट जहां घटे वहां 105 के पास लीजिए, सपोर्ट 52.5 का रखिए, रईसन ऊपर में 215, 290 और 350 तक कल जा सकता है। ये वीकली का मंथली है, मैंने पोजिशनल है जिनको लेना हो। बैंक निफ्टी 44,000 का पुट है 28 मार्च एक्सपायरी वाला जहां घटे हुआ 205 के पास लीजिए, और ये समझ लीजिए जीरो हीरो होना है, ये समझ के लीजिएगा। और ये 19 फरवरी 2024 का क्लोजिंग का भाव है 252 रुपया, तो या तो 252 के ऊपर हो तो लीजिए या 205 के पास लीजिए, रईसन ऊपर में 283-313-340 ये कल के फिगर है, और सपोर्ट 175 और 140 है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।